बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे वी विल परफॉर्म आवर लैब टू विच इज़ स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम बेसिक रिलेशनशिप ऑफ डिजिटल इमेजेस। एलिमेंट्स इन मैटलैब मैट्रिसेस मे हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। द मोस्ट कॉमन आर लिस्टेड इन द टेबल। देयर आर अदर्स सी द हेल्प फॉर दैट डेटा टाइप्स। These data types are also functions. For example, we have data type int 8, which means it is an 8-bit integer that ranges from minus 1 to 8 to plus 1 to 7. Another we have data type that is uint 8, that is unsigned 8-bit integer ranging from 0 to 255. We have int 16, uint 16 and double. Double stands for double precision real number. It is dependent on machine. For example, if I am using a 64-bit machine, my number will be a 64-bit number. We can convert from one type to another. For example, if we have a is equal to 23, which is a signed bit integer, b is equal to uint 8. Uint 8 is a data type and also a function. 8 braces, in braces we have typed a. This uint converts that a into an unsigned 8-bit integer. And if we see the b, a gives us 23, the b is also equal to 23. But when we look into their details by the command whose a b, then we can see that a is a 1 cross 1 8 double array, whereas b is 1 cross 1 unsigned 8-bit array. 1 means it is a single number. It's not an array because its dimensions are 1 cross 1. If we have an 8 cross 1 or 1 cross 8, then we have multiple arrays and multiple elements of an array. Last lab mein hum logon ne image processing ka introduction dekha tha. Aaj hum kuch basic relationship padhenge digital images ke. सबसे पहले तो हम डेटा टाइप्स पे बात करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं, कुछ आपके पास इस टेबल के अंदर लिस्टेड हैं, कुछ नहीं है। जो नहीं है उनके लिए आप मैटलैब की हेल्प देख सकते हैं, डेटा टाइप लिख के तो आपके पास हेल्प आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, मैं कमांड विंडो पे ही आज ज़्यादातर काम करूँगा। ए इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, ठीक है। हुज ए करते हैं तो मेरे पास डबल प्रिसीजन का ये नंबर है। अब डबल प्रिसीजन मेरे पास रैम में बहुत ज़्यादा जगह लेता है, जबकि 10 एक बहुत छोटा सा नंबर है, तो बाकी जो मेरे पास बिट्स हैं वो ज़ाया हो रहे होते हैं। मैं इसकी डेटा टाइप अपनी स्पेस को बचाने के लिए भी करूँगा, बी इज इक्वल टू अन इंट ए, ठीक है। ये असल में मैंने गलत लिखा, अन इंट 8 लिखना था, तो वो मैटलैब बिजी हुआ हुआ है उसकी प्रोसेसिंग में। ओके, यहाँ पे देख लें कि ये मेरे पास एरर आ गया, ठीक है। सिम्बलिंग स्टार्टअप वाज इंटरप्टेड, सिम्बलिंग पे जा रहा था तो एरर यूजिंग कस्टमाइजर स्टैटिक रिफ्रेश प्रोग्राम इंटरप्शन मैंने की है। मेरे पास ये काफ़ी उसमें चला गया था। अच्छा जी, तो मैंने गलती जो की थी वो अनइंट 8 यहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है। अब मैं इंटर करता हूँ तो b इज इक्वल टू यूनिट 8, यूनिट 8 और वैल्यू आ रही है 10। अब हुज b करते हैं तो आपके पास अनसाइंड 8 बिट का इंटीजर है। अगर इसी को मैंने साइंड में करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ c इज इक्वल टू इंट 8, इंट 8 और a, ठीक है। अब हुज
ए बी सी तीनों का आ रहा है, ठीक है। एक साइंड बिट नंबर है 8 बिट का, एक अनसाइंड 8 बिट का नंबर है, और तीसरा जो है मेरे पास 8 बिट डबल प्रिसीजन का नंबर है। हालांकि अगर ए की वैल्यू देखें, बी की वैल्यू देखें और सी की वैल्यू देखें, तो वैल्यू सब में सेम है। अब अनसाइंड इंट आपके पास रेंज बड़ी है, मगर अनसाइंड होने की वजह से आप मैक्सिमम 0 to 255 नंबर को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंट 8 है वो आपके पास -1 to 7 से +1 to 7 तक का नंबर आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ 16 बिट है, ठीक है। उसके बाद डबल जो 32 बिट मशीन्स हैं उनके लिए 32 बिट का नंबर होगा, और जिनके पास 64 बिट है वो 64 बिट पे चल रहे होंगे। अच्छा, अगर हम देखें तो इनका रिलेशन इससे क्या है, अग्रे स्केल इमेज मे कंसिस्ट ऑफ पिक्सल्स हुज वैल्यूज आर ऑफ डेटा टाइप अनसाइंड 8 बिट। दीज इमेजेस आर थस इज पॉसिबली एफिशिएंट इन टर्म ऑफ स्टोरेज स्पेस सिंस ईच पिक्सल रिक्वायर्स ओनली 1 बाइट। हाउएवर अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर नॉट परमिटेड ऑन दिस डेटा टाइप। अनसाइंड 8 बिट इमेज मस्ट बी कन्वर्टेड टू डबल बिफोर एनी अरिथमेटिक इज अटेम्प्टेड, ठीक है। ग्रे स्केल इमेजेस जो होते हैं वो हमारे पास अनसाइंड 8 बिट इंटीजर की डेटा टाइप के ऊपर होते हैं। अब इसीलिए आपको मैंने कहा था कि ग्रे स्केल की इमेज जो डेंसिटी आती है वो 0 to 255 आती है, ठीक है। 255 मैक्सिमम आप इसी में, इसमें इतने 1 बाइट के अंदर आप 255 वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपने इसके इमेज के ऊपर, ग्रे स्केल इमेज के ऊपर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होगा डबल प्रिसीजन में, तब आप इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। और उसके लिए डबल का कीवर्ड भी है और फंक्शन भी है। यहाँ पे बी इज इक्वल टू डबल ऑफ ए कर दें तो आपके पास अनसाइंड नंबर जो है वो डबल प्रिसीजन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। वी कैन कन्वर्ट इमेजेस फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, ये कुछ एक्सरसाइज हमने की भी थी लास्ट लैब के लैब टास्क में भी ये एक्सरसाइज का था, तो मैं इसे जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगा। इंडेक्स टू ग्रे, ठीक है, इंडेक्स टू ग्रे स्केल है, एक्स और मैपिंग फंक्शन होते हैं साथ। एक्स इमेज होगा कितनी वैल्यूज के ऊपर ये मैप कर रहा है, इंडेक्स इमेज को वो आ रहा है। इसी तरह ग्रे टू इंडेक्स है, ठीक है, ग्रे टू इंडेक्स में मैपिंग नहीं आ रही, आप देख रहे हैं वाई, और जो मैप है वो यहाँ पे है। जो इंडेक्स इमेज की मैपिंग आएगी वो इसमें आएगी, ठीक है। वापस आपको इसको कन्वर्ट करना है, यही मैप आप इंडेक्स टू ग्रे से कर सकते हैं। आरजीबी टू ग्रे है, इसी तरह ग्रे स्केल टू आरजीबी है, आरजीबी टू इंडेक्स्ड है, इंडेक्स टू आरजीबी है। फंक्शंस के फॉर्मेट गिवन है, फंक्शंस का नाम भी गिवन है, इन फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं आई एम शो फंक्शन पे, ग्रे स्केल इमेजेस पे हम बात कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि कैसे एक आई एम शो का फंक्शन यूज होता है, जो अनसाइंड 8 बिट डेटा टाइप को के एक इमेज को आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है, जिसमें वैल्यू 0 to 255 होती है, ठीक है। लॉट्स ऑफ मैटलैब इमेज प्रोसेसिंग कमांड प्रोड्यूस आउटपुट मैट्रिसेस विच आर ऑफ टाइप डबल। तो बहुत सारी आपको मैट्रिक्स मैटलैब की कमांड ऐसी मिलेंगी इमेज प्रोसेसिंग की, जिनकी आउटपुट जो होती है वो डबल डेटा टाइप की होती है, वो अनसाइंड 8 बिट की नहीं होती है। वी हैव टू चॉइसेस विद अ मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करते हैं, डबल को हम कन्वर्ट करते हैं अनसाइंड 8 बिट में, ताकि वो डिस्प्ले के लिए आ सके, या हम उस मैट्रिक्स को डायरेक्टली डिस्प्ले करते हैं विद सम ऑपरेशंस। तो सेकेंड ऑप्शन इज पॉसिबल बिकॉज आई एम शो विल डिस्प्ले अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप डबल एज ग्रे स्केल इमेज एज लॉन्ग एज द इमेज एलिमेंट्स आर बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 नॉर्मलाइजेशन होती है कि 1 मैक्सिमम आप अगर डिवाइडेड बाय 255 कर दो तो आपके पास वैल्यूज जो है वो 0 to 1 के बीच में आ जाती है। सपोज वी टेक एन इमेज एंड कन्वर्ट इट टू टाइप डबल, हम एक इमेज लेके उसको डबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको आई एम शो करवाते हैं। पहले डायरेक्ट भी करवा लेते हैं। इमेज है मेरे पास कैरिबो डॉट टिफ, तो ये हमारे पास पहले भी है, ठीक है।
मैं इधर आता हूँ, ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं सी इज इक्वल टू आई एम रीड, ठीक है, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। तो कैरीबो डॉट टिफ, TIF, और ये आ गया। अच्छा, बैक स्लैश आ गया, कैरीबो डॉट टिफ, और सेमी कॉलन करते हैं ताकि वो फुल रीड ना हो। अनडिफाइंड वेरिएबल CARI है, ओह सॉरी, मैं दोबारा देख लूँ तो CARIBOU डॉट टिफ, मेरे पास कैरीबो डॉट टिफ है। अच्छा, यहाँ पे एक ये गलती थी, ठीक है। स्ट्रिंग का वैसे भी कलर इस फॉर्मेट फॉर्म में होता है, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि आप एरर पे। तो ये मेरे पास एक इमेज रीड हो गया, आप देख रहे हैं 351x428x3। अगर मैं इसको आई एम शो करवाता हूँ, ठीक है, आई एम शो सी करें, तो मेरे पास एक कलर्ड इमेज शायद आता है, क्योंकि जो क्रॉस थ्री है इट मीन्स कि ये एक थ्री उसका थ्री उसका वो है, थ्री डायमेंशंस का, ठीक है। तो ये मेरे पास एक थ्री डायमेंशंस का इमेज आ रहा है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, सी डी इज इक्वल टू डबल ऑफ सी डी ओ यू बी एल ई डबल ऑफ सी, ठीक है, अगेन सेमी कॉलन, इसलिए कि वो सारी वैल्यूज अल्टरनेटली प्रिंट हो जाएंगी। अब मैं फिगर की कमांड, आपको पता है, नेक्स्ट फिगर जनरेट करने के लिए होती है, आई एम शो सी डी करें, तो मेरे पास अब बिल्कुल वाइट आ रहा है। हायर वैल्यूज डार्क इमेजेस के लिए होती हैं, लाइट वैल्यूज आपके पास वाइट इमेजेस के लिए होती हैं। जब मैंने उसको डबल किया है, मैं उसको एक हिसाब से 255 जो 1 बाइट का नंबर था, उसको मैंने 8 1 बाइट का नंबर को 8 बाइट्स में ले गया हूँ। उसके बाद उसमें सारी वैल्यूज लो हो गई है। अगर आप शुरू से उसको रीड करोगे तो सारा 0000 होगा। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि आपके पास एक वाइट इमेज आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इमेज बी को देखूं, जो फिगर टू का इमेज है और जो फिगर वन का इमेज है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। अच्छा, अब जीरो इज डिस्प्लेस एज ब्लैक एंड वन इज डिस्प्लेड एज वाइट, कि वन जो हायर वैल्यूज है वो आपके पास वाइट आती है, जीरो है वो लो वैल्यू आती है। सॉरी, अगर मैं इसको डबल को एक कन्वर्ट करता हूँ, ठहरे, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक नंबर है 0100, ठीक है, 4 बिट का नंबर है, इसको मैं 8 बिट में लिख लेता हूँ, 0100, ठीक है, और यहाँ पे 0000, इसकी वैल्यू क्या थी, 2^0, 2^1, 2^2, 4, और इसकी वैल्यू क्या है, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। यानी जब मैंने इसको 8 बिट में कन्वर्ट किया तो मेरे पास यही नंबर कन्वर्ट हो गया 64 में। अब इस चीज की वजह से मेरे पास वो सारी हाई वैल्यूज आ रही हैं, जो कि सारी ये वाइट आ रही है, ठीक है। तो ये इस वजह से ज्यादा वाइट आ रहा है। अगर इस इमेज को वापस मैंने 0-1 की रेंज में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको ये कर सकता हूं कि फिगर आई एम शो सी डी डिवाइडेड बाय 255, कि मैं इसकी रेंज 255 में ले आता हूं, तो मेरे पास अगेन वही इमेज आ जाएगा, ठीक है। और यही, यानी जो ओरिजिनल इमेज है वो हमने ले आया, सिर्फ हमने क्या किया है, डिवीजन बहुत बड़ी वैल्यूज को बहुत छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर आप जो वैल्यूज थी वो सारी डिवाइडेड बाय 255 हो गया। सी डी का मैं आपको स्ट्रक्चर अगर खोल के दिखाऊं, तो ये देखें 255, 255, 255, सारा वाइट नंबर आ रहा है, ठीक है, कोई बीच में थोड़ी बहुत वैल्यूज है, मगर 255 सारा वाइट ही आ रहा है।
तो जो बहुत हाई वैल्यूज थी उनको आपने डिवाइडेड बाय 255, जो मैक्सिमम एक वैल्यू आ रही थी उसको मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास 0-1 की रेंज आ रही है जो कि ओरिजिनल इमेज के ऊपर उसको मैप कर रही है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको और थोड़ा छोटा नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया 0 जो है वो ब्लैक के शेड्स हैं, 1 जो है वो वाइट के, 0 जो वैल्यूज कम है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे हम कि हमें नजर भी आ रहा है कि अब जैसे ही मैंने वैल्यूज को कम किया मेरे पास इमेज डार्क होता जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 128 कर दूं, ठीक है, अब मेरे पास अगेन लाइटर इमेज है, ठीक है, कि हायर वैल्यूज वाला एक इमेज आएगा। तो ये सारे IM शो के हमारे पास फंक्शन है। मुख्तलिफ हम लोगों ने देखा है कि हमने जब हाई वैल्यूज की तरफ के हमारे पास वाइट इमेज ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है, जब हम लो वैल्यूज की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास कंट्रास्ट ज्यादा आ रहा है, डार्क इमेज आ रहा है। ठीक है, हम स्केलिंग को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्केलिंग हम ऐसे करते हैं कि मैं अगेन एक CD की जगह में AC इज इक्वल टू फंक्शन है IM2 double, ठीक है, IM2 double, और इसमें मैं इमेज देता हूँ C। ओहो, अब आप देख रहे हो कि 0 और 1 के बीच में वैल्यूज है। अगर मैं फिगर IM शो AC करता हूँ तो मेरे पास ओरिजिनल इमेज ही आ रहा है। मैंने डबल में तो कन्वर्ट किया है मगर साथ ही साथ मैंने उसकी एक स्केलिंग भी कर दी है। ठीक है, ये मोर प्रॉपर फंक्शन है डबल में कन्वर्ट करने का किसी इमेज को, IM2 double। अगर मैं सिंपल डबल लिखूंगा तो डेटा टाइप चीज होगी, चेंज होगी। IM2 double का मतलब है कि एक इमेज है जिसको हमने डबल प्रिसीजन में कन्वर्ट करना है। अगेन आगे अगर हम चले तो मैं स्केलिंग और तरह से भी इसको कर सकता हूँ। ठीक है, IM show में ही करते हैं। अगर मैं इसको unint 8, मैं CD पे बात कर रहा हूँ जो मेरे पास इमेज बड़ा कन्वर्ट हुआ है उस पर 255 into CD करते हैं। ठीक है, फिगर, हाँ एक ब्रैकेट मिसिंग थी। ठीक है, प्रॉपरली स्केल्ड एलिमेंट सारे आपके पास इसमें आते हैं। ये इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, एक मिनट, अगर मैं इसको C2 के नाम से लूं, unint 8 255 into CD, ये आ रहा है। ठीक है, unint 8 255 into CD, ऊपर मैं क्या गलती कर रहा हूँ जो ये दोबारा, अच्छा uint की जगह मैंने unit लिखा हुआ था। ठीक है, ठीक है, MATLAB इतनी इंटेलिजेंट है कि वो कर लेती है। तो अब C2 को मेरे पास देखें तो सेम डायमेंशन का अनसाइंड 8 बिट का वो डाउन सैंपल हो गया, मगर अगेन वो वाइट आ रहा है। ठीक है, और C3 को मैं यूज करता हूँ IM, ठीक है, 2 unint 8, दोनों फंक्शंस का फर्क क्या होगा वो देख लें। CD जो कौन सा प्रॉपर मेथड है वो आपको नजर आ जाएगा। अब मैं फिगर में IM show C2 और C3 दोनों कर लेता हूँ, C2, ठीक है, और C3, अच्छा दोनों ही मेरे पास वाइट आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल्दो कोई कहीं से मिस्टेक हुई है, IM2 unsigned uint 8 cd, अच्छा दोनों वाइट इमेजेस आ रहे हैं मगर C2 की वैल्यूज अगर मैं देखूं तो 255 आ रही है,
C3 की वैल्यूज भी मेरे पास आ रही है, कहीं से कोई मिस्टेक हुई है। बहरहाल, जो कहने का मकसद ये कि वो IM2 अनसाइंड 8 वाला जो फंक्शन है इन केस ऑफ इमेज वो बेहतर है, ठीक है, वो बेहतर है। C3 में भी वैल्यूज अगेन 255 से ऊपर आ रही है, मगर इसको आना नहीं चाहिए क्योंकि मैं इंडेक्सिंग साथ कर रहा हूँ IM2 के फंक्शन से, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल वेरिएबल्स में की वजह से वैल्यूज गलत हो रही है या कोई इस तरह का इशू हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो फंक्शंस अगर इंडेक्सिंग या कन्वर्जन के लिए इमेज को यूज करना है तो वो IM2 के फंक्शन जो है वो प्रेफर्ड होते हैं। इसके बाद आते हैं जी बाइनरी इमेजेस। ठीक है, ये मैनुअल में भी यही लिखा हुआ है, IM2 अनसाइंड 8 जो है वो बेहतर है। अच्छा, रिकॉल डेट बाइनरी इमेजेस, बाइनरी इमेजेस में दो ही वैल्यूज होंगी, 0 या 1, उसमें शेड्स नहीं होंगे, या आपके पास व्हाइट होगा या आपके पास ब्लैक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो बाइनरी इमेजेस को हम एक फ्लैग सेट कर देते हैं, ठीक है, जो लॉजिकल ऑपरेशंस है उनको देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, C1 इज इक्वल टू C1 ग्रेटर देन 120, ठीक है, जो ग्रेटर देन 120 वैल्यूज है वो 1 में हो जाएंगी और जो लेस देन है वो सारी 0s हो जाएंगी, ठीक। 8-bit अरे लॉजिकल है, IM show C1 को देखो तो आपके पास ये एक इमेज आ रहा है, ठीक है। अब C1 में मैंने +C1 एक इंक्रीमेंट कर दिया तो मेरे पास सारी डार्क वैल्यूज आ रही है, ठीक है। +C1 इज इक्वल टू +C1 आपको नजर आएगा कि आपके पास कैसे एक डार्क है, हालांकि दोनों अनसाइंड 8-bit अरेज है, मगर ये लॉजिकल है, C1 लॉजिकल नजर आ रही है आपको, ठीक है। इधर लॉजिकल नहीं है, इधर हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो लॉजिकल नहीं किया बल्कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया। इफ यू नो ट्राई टू डिस्प्ले द मैट्रिक्स विद IM show, वी ऑब्टेन द रिजल्ट शोन इन फिगर बी, जो आफ्टर कन्वर्जन टू टाइप अनसाइंड है। अच्छा, तो ये कोई आपको जो डार्क इमेज आएगा ये कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अब इस रिजल्ट को ठीक करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो IM2 show लॉजिकल ऑफ C1, या सिंपली हम इसको डबल में कर दें तो IM show डबल ऑफ C1 आ जाएगा। तो बोथ दीज कमांड विल प्रोड्यूस द इमेज सीन इन द प्रीवियस फिगर, तो जो ओरिजिनल के साथ आपका मिलता जुलता रिजल्ट है वो आएगा। इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। अब जो C1 इमेजेस इमेजेस ये ले रहा है वो ले रहा है, एक मिनट, C1, अच्छा ये आ रहा है ना जिसमें सी ग्रेटर देन 20 है, और सी मेरे पास ओरिजिनल जो इमेज है वो है। तो मैं सबसे पहले क्लोज ऑल करता हूँ और CLC कर लेते हैं। क्लोज ऑल किया, जितनी फिगर्स थी वो सारी खत्म होगी, क्लियर ऑल नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास वो जो इमेज रीड हुआ हुआ है सी के अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो C1 इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन 120 कर लिया मैंने, ठीक है। अब IM show C1 नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि C1 लॉजिकल है, ठीक है। अब सी अगेन मैं अगर इसको लॉजिकल पे, मेरे पास IM show C1 नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर C1 + C1 करें तो आपके पास सिंपल कमांड आ जाएगी। मेरे ख्याल सी जो हम लोगों ने रीड किया है वो अनसाइंड 8-bit है। IM show सी करें, IM show सी करो, तो मेरे पास ये आ गया, IM show C1 करें। इफ द इनपुट इज लॉजिकल बाइनरी इट मस्ट बी अ 2-dimensional। अच्छा जी, नहीं कह रहा, तो C1 + इज इक्वल टू +C1, ठीक है।
अब करके अब आई एम श्योर सी वन करें। अब मेरे पास ये इमेज आ रहा है, ठीक है। जब मैंने उस पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो लॉजिकल टाइप पे था, जो कि आई एम शो ने डिस्प्ले नहीं किया। मगर जब मैंने उसको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ऑटोमेटिकली वो डबल में कन्वर्ट हो गया। अब डबल में मुझे ये फिगर नजर आ रही है, ठीक है, डबल में मुझे ये फिगर नजर आ रही है। इफ वी नाउ ट्राई टू डिस्प्ले द मैट्रिक्स विद आई एम श्योर वी ऑब्टेन द रिजल्ट शोन इन फिगर बी, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा डार्क करूं इसको, अनसाइंड एट बिट करूं, तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक है। मगर मेरे पास डबल में है तो वो है। अगर इसको हम मैं इसको C4 में कर लेता हूँ, C4 इज इक्वल टू IM2 अनइंट 8 सी, किया हुआ तो नहीं है कहीं। अच्छा अच्छा ये हो गया। अब IM show C4 करें तो मेरे पास, अच्छा मैंने अनसाइंड 8 में किया, वो डबल में अनसाइंड 8 से डबल में करेंगे तब आएगा। खैर तो ये आपके पास इमेजेस इस तरह से आ रहे हैं। ये जब आपकी वैल्यूज बहुत हाई हो जाएंगी तब आपके पास बहुत डार्क इमेज आ जाएगा। तो जो फंक्शन है आई एम शो लॉजिक C1 को डिस्प्ले करने का, जो कि अभी हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो उसमें मुझे उसको शो करना पड़ेगा C1 जो है वो लॉजिकल है। तब मेरे पास अच्छा, टू गेट द फ्लैग टू व्यूएबल इमेज वी कैन आइदर टर्न द लॉजिकल फ्लैग बैक ऑन, ठीक है। हमें लॉजिकल फ्लैग को ऑन करेंगे तो हमारे पास C1 आएगा, अगर हमें ब्लैक इमेज डिस्प्ले देखना है उसका, ठीक है। अब मैं मैटलैब पे अगर जाऊँ तो C1 मेरे पास अब डबल में हो गया। अगेन मैं कोई C6 ले लेता हूँ, इज इक्वल टू मैंने लिया था C greater than 120, C6 मेरे पास लॉजिकल है, ठीक है। आई एम श्योर लॉजिकल, लॉजिकल का मैंने उसको बता दिया, और मेरे पास जो C6 है वो है। लॉजिकल इमेजेस को इसमें शो नहीं करवा रहा, हैरत की बात है, क्योंकि इसको शो होना चाहिए मेरे ख्याल। मेरे पास जो वर्जन है 2018B है उसमें ये एरर आ रहा है। आपके पास अगर डाउन वर्जन है तो उसमें शायद ये एरर नहीं आता। जो मैनुअल लिखा गया था वो डाउन वर्जन में लिखा गया था, तो उधर वो चीज़ें चल रही होंगी, इधर उसने पहले ही एरर दे दिया कि लॉजिकल है तो नहीं करेगा। और इसी लॉजिकल को अगर मैं डबल में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो मेरे पास अच्छा C1 ऑलरेडी डबल है, तो C6 लिखना था हमें यहाँ पे, तो मेरे पास ये इमेज आ रहा है। अब इसी इमेज को अगर मुझे डार्क में कर रहा है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 255 कर दूँ, ठीक है। C6 मल्टीप्लाई बाय 255, मेरे ख्याल एरर ही आएगा। ये वही इमेज आ रहा है क्योंकि वो टाइप डबल में कन्वर्ट ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये जो डबल में कन्वर्ट करके हम इसको शो कर सकते हैं, लॉजिकल इमेजेस का हम डिस्प्ले ले ही नहीं सकते। अगर बैक वर्जन में आएगा भी तो उसका रिजल्ट ब्लैक आएगा। मेरे ख्याल अब जो न्यू वर्जन है उसमें इस एरर को रेक्टिफाई किया गया कि ये पहले ही बता दे कि ये चीज़ आपके पास रिजल्ट ठीक आएगा ही नहीं। बिट प्लेन्स के ऊपर बात करते हैं। हम लोग एक मुख्तलिफ बिट प्लेन्स हम जनरेट कर सकते हैं। ग्रे स्केल इमेजेस कैन बी ट्रांसफॉर्म इन टू अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी इमेज बाय ब्रेकिंग दैम इन टू देयर बिट प्लेन। तो हम एक एक इमेज को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसके मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर, ठीक है, बाइनरी प्लेन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक 8 बिट का इमेज है, ठीक है, तो मैं उसको 8 बिट बाइनरी वर्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जीरो मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू इट इज़ कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो बिल्कुल जीरो वैल्यू होगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे होगा।
इसी तरह जो हाईएस्ट सिमिलरली सेवंथ बिट प्लेन जो होगा वो फर्स्ट बिट इन ईच बिट द बिट हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सो इट इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लेन. जो सेवंथ बिट प्लेन होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लेन होगा क्योंकि उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यूज होंगी. अच्छा ये करते कैसे हैं ये अब हम करके देखते हैं. ठीक है ये मेरे पास आ गई है. इसको पहले मैं अब मैं क्लियर ऑल इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास सारे वेरिएबल्स जो मेरी वर्क स्पेस में थे वो सारे क्लियर होते हैं. ठीक है सी एल सी कर दिया. सी इज इक्वल टू कैमरा मैन डॉट टिफ मैंने रीड कर लिया. ठीक है सी इज इक्वल टू कैमरा मैन डॉट टिफ रीड कर लिया. सी नॉट पहला मैं लूंगा. ठीक है पहला बिट प्लेन है जी सी जीरो जो जीरो बिट प्लेन है मैं सिंपल मॉड ले लेता हूँ. ठीक है और मॉड को मैं कह देता हूँ कि दो वैल्यूज में आ जाए जीरो वन में मॉड. ठीक है सी डी कॉमा टू और सी डी डिवाइडेड बाय टू सी नॉट सॉरी पहले मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मुझे इसको डबल में कन्वर्ट करना पड़ता है. अगर आप पुराने वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको इसको डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर आपके पास अपडेटेड वर्जन है मैटलैब के तो उसमें ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ. सी डी इज इक्वल टू टी ओ यू डी एल ई डबल ऑफ सी. ठीक है मेरे पास सी डी जो है वो डबल में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है अब सी नॉट में अगर लिखता हूँ मैं सी डी को यूज नहीं करता मैं उसको डायरेक्ट सी को यूज करता हूँ मॉड ऑफ सी कॉमा टू. ठीक है मॉड मॉड ले लेगा सी कॉमा टू. तो इसको हम करके देखते हैं. तो देखें ऑलरेडी सी नॉट जो है वो अगेन अनसाइंड 8 बिट में है वो डबल में नहीं हुआ. ठीक है तो मुझे इसको डबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए डबल जो है वो ज़्यादा बेहतर है. तो अगेन मैं इसको सी नॉट मॉड ऑफ सी डी बाई टू कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये डबल में आ जाए. अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस याद करें अरिथमेटिक ऑपरेशंस जब भी आपने परफॉर्म करने हैं तो आपने इसको टाइप डबल में कन्वर्ट करना है. कुछ ऑपरेशंस का रिजल्ट डबल में आता है कुछ का नहीं आता इसका नहीं आ रहा. मगर कुछ ऑपरेशंस ऐसे होंगे जिसमें आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी डायरेक्ट ऑपरेशन करने से वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे हमने प्लस इंक्रीमेंट का ऑपरेशन किया था अरिथमेटिक ऑपरेशन किया तो ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट हो गया था. अगेन सी नॉट हमने जीरो प्लेन लिया सी वन ले लेते हैं मॉड ले लेते हैं और साथ ही साथ मैं फ्लोर फंक्शन लूँगा. फ्लोर फंक्शन इसलिए कि मैं यहाँ पे डिविजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ. ठीक है टू फ्लोर फंक्शन क्या करेगा जो पॉइंट्स की वैल्यूज हैं उनको वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा. जिस तरह अगर 0.5 है तो वो 1 में हो जाएगा 0.3 है तो वो 0 में हो जाएगा. ठीक है फ्लोर का फंक्शन ये करेगा और मुझे ये टू वैल्यूज चाहिए या 0 चाहिए या 1 चाहिए. ठीक है तो सी वन मेरे पास ये आ गया. इसी तरह सी टू कर लेते हैं ये मेरे पास सेकेंड है. सी टू में मैं डिवाइडेड बाय 4 कर लेता हूँ. ठीक है सी थ्री में मैं डिवाइडेड बाय 6 कर लूँगा सॉरी डिवाइडेड बाय 8 कर लूँगा. 6 नहीं होता 2 1 2 4 8 होगा. सी फोर को हम डिवाइडेड बाय 16 कर लेते हैं. सी फाइव आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 32. सी सिक्स आ जाता है आपके पास मॉड फ्लोर डिवाइडेड बाय 64. ठीक है और इसी तरह सेवन जो है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लेन होगा वो आपके पास आ रहा है 64 डिवाइडेड बाय 128.2. ठीक है अब ये मेरे पास 7 बिट प्लेन्स आ गए. अच्छा अब जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लेन होगा
उसके अंदर एक रैंडम अरे आ रही है और उसमें इमेज जो है आपको इतना नजर नहीं आ रहा होगा, मगर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लेन है C7, उस वो एक्चुअली एक थ्रेश होल्ड है इमेज की एट लेवल 127। थ्रेश होल्डिंग को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप देखें तो मेरे पास जो मैं अगर CT मेरे पास थ्रेश होल्ड वैल्यू है इज इक्वल टू C>127 करूं, ठीक है, और मैं ऑल का फंक्शन एक यूज करूंगा C7, ठीक है, जो मुझे कंपेयर करके देगा इक्वल इक्वल टू CT फुल कॉलन CT की सारी वैल्यूज के साथ। ऑल का फंक्शन इन दोनों वैल्यूज इस दो मैट्रिसेस की सारी वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा और अगर ये सेम है तो आंसर आपके पास 1 आएगा, अगर ये सेम नहीं है तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। ऑल का फंक्शन इस तरह का फंक्शन होता, तो अभी लॉजिकल 1 आ रहा है, इसका मतलब कि वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू थी 127 पे वो और C7 की वैल्यूज बराबर है। अगर हम 127 पे C को थ्रेशोल्ड कर दें तो वो सेम आएगी। थ्रेशोल्डिंग खैर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मुझे ओरिजिनल इमेज रिकवर करना है इन बिट प्लेन से तो मैं कुछ इस तरह की कमांड यूज करूंगा, ठीक है। CC2 × 2 जितने प्लेन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ठीक है, और बाकी फिर सबको ऐड किया है C7 में C6, फिर C5, फिर C4, फिर C3, फिर C2, फिर C1 और आखिर में प्लस C0। 0 के साथ जो है वो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ओरिजिनल इमेज आ जाएगा, ठीक है। अगर अब हम इनको डिस्प्ले करके देखते हैं मुख्तलिफ C0, C1, C2, C3 को, ठीक है। आई एम शो C0, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह आई एम शो फिगर की कमांड लगाते हैं FIGURE फिगर कॉमा आई एम शो C0 के बाद C1 आ गया। अब ये सारे बिट बाइनरी बिट प्लेन्स हैं। C2 आ गया, ठीक है, मुख्तलिफ जो हमने बिट प्लेन्स बनाए हैं ये वो आ रहे हैं। C3 आ गया और इसी तरह अगर मैं C7 करता हूँ तो मेरे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो आ रहा है, और अगर मैं जो ओरिजिनल इमेज देखना है तो मैं CC करूँगा, जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज जो ओरिजिनल इमेज आएगा वो ये है। अच्छा, अब वही अगेन IM2Double का फंक्शन यूज नहीं किया, CC को आप देखें तो वो डबल है, तो IM2UNINT करते हैं, IM2UNINT8 का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, या ये करेंगे या इसको डिवाइडेड बाय 255 करेंगे। नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, इसको डिवाइडेड बाय 255 करेंगे तो आपके पास, हाँ डिवाइड बाय 255 किया तो वो सारी वैल्यूज जो हो गई हैं। अब ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है और ये मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट प्लेन है वो है। इन सारे बिट प्लेन्स को ऐड करके हम इनकी वैल्यूज की स्केलिंग करें तो मेरे पास ये चीज आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप ओरिजिनल इमेज और बिट प्लेन्स इन इस चीज को बाइनरी जो बिट प्लेन्स है वो इन चीजों को हम कहते हैं। इसी तरह एक और रिलेशनशिप है, इसको मैं फिर क्लियर करूं, उसको हम कहते हैं स्पैटियल रेजोल्यूशन का, स्पेशल रेजोल्यूशन, सॉरी स्पैटियल, स्पेशल रेजोल्यूशन इमेज की रेजोल्यूशन होती है। जिस तरह सपोज वी हैव अ 256x256 8 बिट ग्रे स्केल इमेज किसी एक्स मैट्रिक्स के अंदर, तो आई एम रीसाइज एक्स कॉमा 1/2, तो आई एम रीसाइज जो है वो एक्स की रेजोल्यूशन हाफ कर देगा, 256x256 के इमेज को वो आपको 128x128 का इमेज कर देगा। अब ये 128 और 128 256x256 ये इसकी रेजोल्यूशन है, 8 बिट उस ग्रे स्केल जो उसकी डेप्थ है, ठीक है, जो रेजोल्यूशन है वो ये है, जो ये बता रही है इसमें 256 एक्स एक्सिस की वैल्यूज है, इसी तरह 256 वाई एक्सिस की वैल्यूज है। मेरे पास जो
256 क्रॉस 256 का कॉलम बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा x11 अप टू x256, x21 अप टू x256, अप टू गॉन ये x256, ठीक है, और यहाँ पे भी x256, तो ये x 61 अप टू सो ऑन, ये 256 वैल्यूज यहाँ भी आएंगी और 256 वैल्यूज यहाँ भी आएंगी। अब इस इमेज को मैंने रेजोल्यूशन हाफ पे ले आया, मैंने इधर कर दिया। अब रेजोल्यूशन जब हाफ करते हैं, यही जब रेजोल्यूशन गिराते हैं तो आपको पता है कि पिक्सल्स फटने शुरू हो जाते हैं, तो यही काम आई एम रीसाइज का फंक्शन करता है, ठीक है। जैसा ये मेरे पास एक न्यूबॉर्न डॉट टिफ है, इसकी मल्टीपल रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। ओरिजिनल इमेज ये है 128x128 का ही है, 64x64 का ही है, 32x32 का ही है। तो ये अब अगर मैं इमेज रीड करवाता हूँ और ये लगाऊंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह के वैल्यूज आएंगी, ठीक है। न्यूबॉर्न मेरे ख्याल में मेरे पास है, मैं इसको क्लियर ऑल कर देते हैं ताकि मेरे वेरिएबल सारे फ्री हो जाए। एक्स इज इक्वल टू आई एम रीड ये न्यू बॉर्न डॉट टिफ आ जाएगी। अच्छा जी, न्यू बॉर्न डॉट टिफ मेरे पास मेरे ख्याल नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ मेरे पास नाइस वर्क डॉट टिफ है। चलो मैं नाइस वर्क डॉट टिफ को ही रीड करवाता हूँ। ये हम कैमरा मैन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। 236x235 का इमेज है, आई एम शो एक्स करते हैं तो मेरे पास इमेज, हाँ मैंने बाकी क्लोज ऑल नहीं किए थे तो वो सारी फिगर्स खुली हुई है, तो मेरे पास ये फिगर 8 आ रही है, ठीक है। नाइस वर्क लिखा हुआ है, इस तरह की एक बाइनरी इमेज है। बाइनरी इमेज से बेहतर है कि मैं एक कैमरामैन डॉट टिफ ले लेते हैं, उसकी वजह ये है कि एक ग्रे स्केल इमेज कर लेते हैं, सीएलसी आ जाता है जी। एक्स इज इक्वल टू आई एम रीड कैमरामैन डॉट टिफ, कोट्स में नहीं किया, स्ट्रिंग का कलर अब स्ट्रिंग आ गया, तो ये मेरे पास एक 256 क्रॉस 256 है। इसको मैं क्या करता हूँ, आई एम रीसाइज और ये मैं एक्स वन में कर लेते हैं, x1 इज इक्वल टू आई एम आर ई एस आई जेड ई रीसाइज करें इसको 32 क्रॉस 32 पे, तो मैं इसको करता हूँ आई एम रीसाइज आई एम आर ई एस आई जेड ई आई एम रीसाइज किसे करना है, एक्स को करना है, कॉमा 1/16 पे ले जाते हैं इसकी रेजोल्यूशन, 1/16 पे ले जाते हैं, ठीक है। 1/16 इंटू 16, तो ये कमांड है रीसाइज की। अच्छा जी, ब्रैकेट्स का कहीं हुआ है, अच्छा कहीं मैंने, अच्छा हाँ बिल्कुल, जो प्रॉब्लम है वो ये, ठीक है। यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस एक क्लोज करनी थी, ये दूसरी होगी और ये कट होगी, ठीक है। अब रन हो गया, अब एक्स वन जो देखें वो 688x688 आ रहा है। मैं फिगर एफ आई जी यू आर ई फिगर एक्स वन का फिगर कॉमा आई एम शो एक्स वन, ठीक है। मेरे पास जो 256 क्रॉस 256 की वैल्यूज थी उसकी मैंने इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ा दी है, इमेज मेरे पास बड़ा हो गया मगर पिक्सल्स मेरे पास फट गए, ठीक है। अब इसी इमेज को मुझे छोटा करना है, ठीक है, तो मुझे 1/4 करके देखते हैं, 1/4, 4 अगेन पैरेंथेसिस गलत लगी हुई है, ये 1/4
कॉमा 4, ठीक है। एक्स वन मेरे पास 256 cos 256 में आ गया, ठीक है। हाँ, एक्स वन मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको आई एम फिगर आई एम श्योर एक्स वन कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो ये इमेज था, ये इस इमेज की मैंने इसको ड्रॉप करके इस इमेज में ले आया हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह से मैं इनकी रीस्केलिंग करके इनकी रेजोल्यूशंस को चेंज कर सकता हूँ आई एम रीसाइज के फंक्शन को यूज करते हुए। जब आप रेजोल्यूशन ड्रॉप करोगे तो आपके पास पिक्सल्स कम होंगे, इमेज में नॉइस ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये आप करके प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। पॉइंट प्रोसेसिंग पे अब बात करेंगे कि पॉइंट प्रोसेसिंग क्या होती है। एनी इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म द ग्रे वैल्यू टू पिक ऑफ द पिक्सल। हाउएवर, इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन में बी डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फ्रॉम द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टू द सिंपलेस्ट दे आर। तो जब हम किसी भी इमेज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास तीन बेसिक स्टेप्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म है, दूसरा स्पेटियल फिल्टर्स है, तीसरा जो है दूसरा जो है स्पेशल फिल्टर्स है, तीसरा जो है वो पॉइंट ऑपरेशंस है। फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम इमेज लेते हैं, इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म इमेज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो जो प्रोसेस्ड आपके पास ट्रांसफॉर्म इमेज होता है उसको इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं और आपके पास ओरिजिनल इमेज आ जाता है। दूसरा, आपके पास फिल्टर्स आ जाते हैं कि आप किसी इमेज के ऊपर फिल्टर लगाते हो, फिल्टर का इसी तरह रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तीसरे, आपके पास पॉइंट ऑपरेशंस आते हैं। पॉइंट ऑपरेशंस मैथमेटिक ऑपरेशंस है। फॉर एग्जाम्पल, एफ इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, सबसे जो सिंपल ऑपरेशन है वो ये है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस सी, ठीक है। या मल्टीप्लाई सी इंटू एक्स कर दो, ये पॉइंट ऑपरेशन, ये मैटलैब की कमांड नहीं है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट ऑपरेशन है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास ओल्ड वैल्यूज ये हैं, मैंने इस पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो मेरे पास ये जो वैल्यूज इंटेंसिटी वैल्यूज थी ये नीचे आ गई है, ठीक है। तो ये ओल्ड वैल्यूज में ही आपके पास सब्ट्रैक्टिंग 128 फ्रॉम ईच पिक्सल या एडिंग 128 टू ईच पिक्सल क्या रिजल्ट आ रहा है, सब्ट्रैक्ट की केस में क्या रिजल्ट आ रहा है, ये पॉइंट ऑपरेशन के रिजल्ट्स है। एक इमेज है ब्लॉक्स डॉट टिफ, इसको इसको रीड किया है, हमारे पास ये ऑपरेशन आ गया। बी वन में बी प्लस 128 आपके पास एरर आ रहा है, एरर आएगा, एरर यूजिंग प्लस फंक्शन, फंक्शन प्लस इज नॉट डिफाइंड फॉर वेरिएबल फॉर क्लास अनसाइंड 8। मैंने आपको कहा था कि हमें इसे डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, अनसाइंड 8 बिट मेरे पास रिजल्ट आए, क्योंकि आई एम श्योर जो है वो अनसाइंड 8 बिट को ही करता है, पहले इसको डबल करेगा फिर 128 को करेगा, ठीक है। ये भी ऑपरेशन है। जो दूसरा तरीका है इसी को, वो आई एम एड का फंक्शन है कि बी के अंदर बी की हर पिक्सल वैल्यू में 128 को ऐड कर दे। इसी तरह आई एम सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, बी के अंदर 128 को सब्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब एडिंग 128 का रिजल्ट आपके पास लाइटर है, सब्ट्रैक्टिंग 128 का रिजल्ट आपके पास डार्कर है। लो वैल्यूज ब्लैक में है, हाई वैल्यूज वाइट में है। तो ये पॉइंट ऑपरेशंस है हमारे पास। इसी तरह आई एम मल्टीप्लाई का फंक्शन है, आई एम डिवाइड का फंक्शन है, आई एम ऐड का फंक्शन है, ये सारे में आपके पास पॉइंट ऑपरेशंस है। कॉम्प्लीमेंट, किसी इमेज का नेगेटिव इमेज लेने को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हो, ठीक है। जो अक्सर आपने देखा होगा कि नेगेटिव इमेज के अंदर आपके पास कोई इतनी इंफॉर्मेशन आपको नजर नहीं आती, मगर उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। इमेज कॉम्प्लीमेंट का जो फंक्शन है, आई एम कॉम्प्लीमेंट, या आप 1 माइनस m करोगे, कोई इमेज m है तो आपके पास वो नेगेटिव वैल्यूज में आ जाएगा और ये उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। बेहतर जो फंक्शन ये है, बेस्ट अप्रोच जो है आई एम कॉम्प्लीमेंट की, वो इमेज कॉम्प्लीमेंट लेने की इमेज को, वो आई एम कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन है। जिस तरह मेरे पास एक बी कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है, आई एम कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो मेरे और फिर मैं उसको शो करवाऊँ तो मेरे पास ये नेगेटिव वाला इमेज आ रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव वाला आपके पास देख रहे हैं कि आपके पास ये कॉम्प्लीमेंटेड इमेज या आ रहा है।
इसको अगर मैं आई एम टू कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन में आपको कैमरामैन डॉट टिफ पे परफॉर्म करके बाकी आई एम एड वगैरह का फंक्शन तो आप देख लेंगे। ठीक है जी, सी एल सी करते हैं, कैमरा मैन एक्स में रीड है, इसको एक्स कहते हैं और एक्स कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, अनसाइंड 8 बिट में ही है। अब इस ऑपरेशन के लिए देखें मुझे वो नहीं करना पड़ा, आई एम ऐड का यूज करेंगे तो आपको डबल में नहीं करना पड़ेगा, मगर आप मैनुअली ऐड करेंगे तो आपको उसकी टाइप जो है वो डबल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। आई एम शो एक्स सी, इससे पहले मेरे पास कोई फिगर नहीं है, तो आप ये देख रहे हो ये नेगेटिव इमेज इस तरह का होता है, तो ये आपके पास एक नेगेटिव इमेज आ गया। ठीक है, टाइम थोड़ा होने की वजह से मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो क्यूरीज का सेशन होता है उसमें आप पूछ सकते हैं। व्हाट डज द फंक्शन आई एम टू अनसाइंड एट डू, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन द अपीयरेंस ऑफ द इमेज एंड द एलिमेंट ऑफ द इमेज मैट्रिक्स, क्या इफेक्ट आएगा इसका, थ्योरेटिकल आंसर है। ठीक है, व्हाट हैपन इफ यू अप्लाई आई एम टू अन एड टू द कैमरामैन इमेज, इसको आपको अप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आपने रिजल्ट अटैच करना है और फिर आपने करना है कि क्या उस पर आप कमेंट्स करोगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है जब आपने कैमरामैन को आई एम टू अनसाइन एड में कन्वर्ट किया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ रिड्यूसिंग द, ये कुछ इमेजेस हैं, कैमरामैन डॉट टिफ है, द ग्रे स्केल ई एम यू इमेज कोई ले लें, ठीक है ई एम यू का इमेज ले लें, ब्लॉक डॉट टिफ है, बफेलो डॉट टिफ है, ये सारे इमेजेस आपको जो है गूगल से आराम से मिलेंगे। इनके ईच केस नोट द पॉइंट एट विच द इमेज बिकम अनरिकग्नाइजेबल, तो आपने इनकी स्पैटियल इसकी स्पेशल रेजोल्यूशन जो रेजोल्यूशन है वो रिड्यूस करनी है अनटिल के वो उस पॉइंट पे आ जाए जहाँ पे वो अनरिकग्नाइजेबल है, तो वो आपने मुझे दिखाना है। ठीक है कि आप कैसे करोगे, वैसे इसके लिए मैंने जो आई एम रीसाइज दो दफ़ा यूज़ किया था, अगर मैं आपको करके दिखाऊँ एक्स एक्स आर इज इक्वल टू एक्स आर इज इक्वल टू आई एम आर ई एस आई जेड डी आर एम जी साइज एक्स को करें कितना कर दे एक्स बाय टू सॉरी वन बाय टू की रीस्केलिंग करें। इसको मैं करके देखता हूँ, अगर मैंने कमांड ठीक रन की है आई एम शो एक्स आर करें, ठीक है मेरे पास जो एक्स आर में ये है और एफ आई जी यू आर ए फिगर कॉमा आई एम शो एक्स। ठीक है, अब फर्क देख ले, अगर मैं इस इमेज को इसके बराबर लाऊंगा तो मेरे पास पिक्सेल्स ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं, देखिए 128 पे हो गया, रेजोल्यूशन ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अब अगेन मैं 1/2 को 1/4 पे ले जाऊं, ठीक है, और आई एम फिगर आई एम शो एक्स आर कर दे। अब आप देखो कि ये इमेज मैंने पहले ये सेकंड था, फर्स्ट वाला सेकंड ओरिजिनल है, ठीक है, तो ये थर्ड फिगर है, इसको अगर मैं इसके बराबर की विंडो को ओपन करूं तो अब आप देखो कि रेजोल्यूशन ड्रॉप होने का इफेक्ट अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। दो दफ़ा यूज़ नहीं करना, दो दफ़ा यूज़ करेंगे तो एक दफ़ा वो रिड्यूस कर रहा होगा, दूसरी दफ़ा वो उसी फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो वो ऊपर जा रही थी। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन में देखूँ तो आपको नज़र आ रहा है इसमें पिक्सल ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, इसमें पिक्सल्स इतने ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, और ये जो हाफ रेजोल्यूशन है उस पर ड्रॉप हो रहे हैं मगर इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, इमेज रिकग्नाइजेबल है। इस केस में भी इमेज रिकग्नाइजेबल है मगर ठीक है किसी हद तक है, मगर अगर इसको मैं 1/8 पे ले जाऊंगा, 1/8 पे कर लूंगा और फिर मैं आई एम शो एक्स आर करता हूँ, और अब मैं अब तो ये बिल्कुल भी रिकग्नाइजेबल नहीं है। ठीक है, अब 32x32 है, इसी तरह 1/16 पे लेके जाएंगे तो और छोटा होता जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो।
तो आज की लैब हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह हम लैब के अंदर क्लियर कर लेंगे। जो भी हो लैब टास्क कोशिश कीजिएगा परफॉर्म करके आए, ताकि आपका टाइम बचे और हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जा सकें। नेक्स्ट लैब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।